नूरपुर विधानसभा की पंचायत बासा बजीरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत पंचायत घर में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पंचायत के लोग इस कार्यक्रम में काफी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन सरकार के इस कार्यक्रम की अवहेलना करने में आला अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कार्यक्रम में कुछ एक अधिकारियों को छोड़ अधिकतर विभागों के अधिकारी नदारद पाए गए। जिला परिषद सदस्य उदय पठानिया ने बताया कि हमें खंड विकास कार्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि आम जिलास जीडीपी मनाया जा रहा है, जिसमें 16 विभागों के अधिकारी भाग लेंगे और जो लोगों की समस्या है उनका मौके पर निपटारा किया जाएगा और जिसकी समस्या अधिक होगी उसका विभाग द्वारा निपटारा किया जाएगा, जिससे लोगों में काफी खुशी का माहौल था कि नूरपुर की ये पहली पंचायत होगी जो इसके लिए चुनी गई है। लोग सुबह से बैठे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ दो चार विभागों को छोड़कर अन्य किसी भी विभाग के अधिकारी ने आने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि विभाग जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी ऐसा है, हमें ब्लॉक की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी, मेरी माताजी प्रधान इस पंचायत की, तो हमें नोटिफिकेशन आई थी कि आज जो है वो जिलास आम जिलास जो है जीडीजीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसके अंतर्गत एक आम जिलास जो स्पेशल जो मनाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उसको उसमें लगभग 16 जो हमारे यहाँ के वो हैं ऑफिस हैं जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पंचायत में आना था, ताकि जो भी लोगों की समस्याएं हैं, जो भी ग्राम पंचायत के जो हमारे निवासियों की जो समस्याएं हैं, या तो उनका जो समस्याएं मौके पर निपटारा जिनका हो सकता है उनका मौके पर निपटारा किया जाएगा, और जो कोई समस्या कोई बड़ी समस्या है उनका डिपार्टमेंटली वो हल करेंगे। लेकिन बड़े पहले हम तो बड़े खुश हुए कि जो नूरपुर में नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पहली पंचायत थी वो हमारी चुनी गई, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया, इतने सारे लोग सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन हमें बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि कुछ दो चार डिपार्टमेंट को छोड़ के कोई भी डिपार्टमेंट ने आने की यहाँ पे वो नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। जहाँ ब्लॉक के बीडीओ साहब से हमारी बात हुई, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी, बीडीओ साहब ने बोला कि जो डिपार्टमेंट है उनको जो नोटिफिकेशन है वो डीसी साहब के माध्यम से चली गई हुई है, तो हमारा आपके माध्यम से ये एक मांग रहेगी कि जो डिपार्टमेंट जो अलगर्जी कर रहे हैं, जो इरिस्पॉन्सिबल रवैया अपना रहे हैं, जो पब्लिक जो है उसकी जो समस्याएं हैं उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और आगे जो भी प्रोग्राम जो बाकी की पंचायतों में हुए हैं वो सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो वहां पे पहुंचे। ग्राम के लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए ये कार्यक्रम तय किया है और अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि यहाँ कार्यक्रम हो, वहाँ जाकर लोगों की समस्याओं को सुने, लेकिन बासा वजीरा पंचायत के लोगों में काफी रोष है कि लोग सुबह से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अपनी अपनी समस्याएं लेकर बैठी हैं और कुछ एक अधिकारियों को छोड़कर अधिकतर विभागों के अधिकारी कार्यक्रम में ही नहीं पहुंचे हैं। लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि अधिकारियों द्वारा सरकार के आदेशों की अवहेलना की गई है, अतः अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। आज का जो कार्यक्रम है हमारी पंचायत बासा बजीरा में पंचायत हमारा इजलास रखा गया था, इसमें डीसी साहब द्वारा हम इंडिकेशन आई सी ऊपर से, जिसमें सभी जो अधिकारीगण हैं महकमे हैं 15-16 सभी शिरकत करेंगे। सुबह से हम हमारे जो गाँव के लोग हैं सुबह से आकर 9 बजे से जहाँ पे आकर बैठे हुए हैं सभी, और 9 बजे से हम देख रहे हैं कि 4-5 डिपार्टमेंट को छोड़कर कोई भी अधिकारीगण अभी तक नहीं पहुँचा, इससे हमारी समस्याओं को हम जो आए हैं 4-5 डिपार्टमेंट उनसे तो बता देंगे, लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट हैं जिनके पहुँचा ही नहीं कोई, उनकी जो समस्याएं हैं कौन सुनेगा। लोगों में भारी रोष है जी, रोष इसलिए है कि नूरपुर ब्लॉक के अंदर वासा पंचायत अकेली एक ऐसी पंचायत है जिसमें जो पहला प्रोग्राम रखा गया पंचायत द्वारा, और गांव के सभी जिसमें पंचायत के सभी मेंबर प्रधान और गांव के आम नागरिक जो हैं सभी आए और सुबह से बैठे हुए हैं। निराशा इस बात की हमें, दुख है हमें इस बात का, हम डीसी साहब से यही अनुरोध करेंगे कि जो अफसर जो महकमे के लोग अपने काम के प्रति इतने लापरवाह हैं, डीसी साहब से हम अनुरोध करेंगे विशेष तौर पर उन पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। सुबह से
आके बैठे हुए हैं, अपना घर का काम काज छोड़ के आके बैठे हुए हैं। पे कोई ना कोई समस्या का समाधान होगा। जो डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया कि वो आएंगे, यहाँ पे तो आधे आए हुए हैं आधे नहीं आए, तो हमने अगर अपनी समस्या बतानी हो तो किसे बताई जाती है। का जो कार्यक्रम यहाँ पर फिक्स किया था और यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के को आदेश दिए गए थे कि वो इस कार्यक्रम में भाग लें, परंतु बड़े खेत का विषय कि यहाँ पर ना तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो नहीं आया, तो ये जो सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है, इसी तरह उत्तरी तो आज जो है मतलब इनके आदेशों का मतलब किसी भी इस तरह से तो मतलब किसी भी कार्यालय में आदेशों का पालन नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जनता जो कहती है कि जो भी जिस विभाग का कर्मचारी या अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा ही गलती जो पेश ना आए।